बहुत बड़ा किरदार आपने निभाया हुआ था, मतलब एक तो नारा जी का, सेकंड फिर आपने अलिफ लैला की जलाल बिलाल वाली कहानी, फिर एक कहानी में और भी दिखे जो कि अलिफ लैला का सेकंड पार्ट चल रहा था, सेकंड सीजन चल रहा था। जी। तो उसके बाद फिर आपने आंखें की, फिर साईं बाबा की, इसी बीच में आपने संजय खान जी की जय हनुमान में अपने देवताओं में जो प्रमुख देवता वरुण देवता, उनका भी किरदार निभाया। तो माइथोलॉजी शेयर को करके कभी नहीं लगा था कि मतलब कहीं ना कहीं स्टीरियो टाइप हो रहा है, सब कुछ टाइप कास्ट हो रहा है, या फिर आपको इन सब से थोड़ा इतर हट करके भी कुछ काम करनी चाहिए? हाँ, तो उसके बाद तो फिर मैंने सोशल किया है ना, उससे बाद तो मैंने माइक तो छोड़ ही दिया। फिर जब मैंने सोशल किया तो पहला शो मैंने ज्योति किया, NDTV आता था उस वक्त पे, वो किया। फिर मैंने स्टार प्लस का शो किया, काफी बड़ा शो था तू मेरा हीरो। फिर पहली फाइव नाइट सीरीज की, जो बहुत ही शानदार सीरीज थी स्टार प्लस की, दहलीज, ये दिल्ली में शूट हुआ, वो करके मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। फिर मतलब वैसे मैंने कला स्टार के चार शोज किए, कयामत की रात और मरियम खान रिपोर्टिंग लाइव ये किया, फिर कलर्स के किए, फिर जी का एक शो किया बहुत बड़ा भागो वाली, उसमें रज्जू पांडे का किरदार किया। फिर मैंने जी के और भी तीन शो किए, कलीरे किया, राजा बेटा किया, तो ये किया, फिर सोनी का किया, जाट की जुगनी, कलर्स के किए, इश्क का रंग सफेद, कारवां। सर अभी आपने एक धारावाहिक का आपने जिक्र किया, एक सीरियल का जिक्र किया आपने, ज्योति ज्योति जी, ज्योति जो NDTV इमेजिन की एक शो थी, उसमें जो लीड एक्ट्रेस थी सब, उसका नाम था कुछ बघेल, कुछ करके नाम था उनका, कुछ बघेल नाम था। हाँ, स्नेहवाग। तो स्नेहा सॉरी स्नेहा बाग, तो स्नेहा बाग जो थी, तो उसमें उस धारावाहिक में आपका क्या रोल था सर ज्योति में? उसमें मैंने भाग्य अवस्थी का किरदार किया था, जो उसका गुरु होता अच्छा है, स्नेहा का जो वो किरदार होती है ज्योति, उसका जो उसको बेसिकली डांस सिखाता है, तो वो किरदार किया था। वो किरदार बहुत अच्छा था और मैंने किया जी भी बहुत, मतलब वो थे उसमें गोल्डी जी थे, सिद्धार्थ सेन गुप्ता, बड़े अच्छे डायरेक्टर, इंटेलिजेंट डायरेक्टर, तो उनके साथ काम करने का मुझे मौका मिला, तो वो किरदार काफी अच्छा रहा मेरे लिए, बहुत मजा आया उसको जी करके। फिर उसके बाद भागो वाली मुझे मिला, तो भागो वाली तो कमाल ही का था, वो सीरियल भी कमाल था, और मेरा उसमें किरदार था रज्जू पांडे का, जो मैं बहुत करता के सब कुछ मैंने किया है, ये मैंने किया है। वो इत्र के व्यापारी होते हैं बेसिकली, ये कन्नौज की कहानी होती है यूपी के, तो वो किया, वो भी मजा आया करके, वो सीरियल काफी पॉपुलर हुआ, बहुत अच्छा सीरीज थी वो। फिर उसके बाद तू मेरा हीरो, फिर मैंने कलर्स का किया, राजन साई साहब का एक सीरियल था, बड़ा ही कमाल का सीरियल था, मात पिता के चरणों में स्वर्ग, कलर्स पे आता था, वो किया। फिर एक किया आया, कैसा है इश्क है, अभी नाम भी ध्यान नहीं है, है ना, कैसा है इश्क है, ये हरियाणवी बेस था, ये किया मैंने, ये था लाइफ ओके पे, तो करते रहा, अभी तो चल रहा है अभी कारवां, धीरे 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 धीरे। वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानवी मंजिल, मगर लोग आते गए और कारवा बनता गया। आप चले थे थिएटर करने के लिए, फिर जिंदगी में कोई शौक नहीं था, फिर इतनी बड़ी बड़ी चीजें मिलती चली गई, कभी श्री कृष्णा में नारा जी का किरदार मिला, कभी आंखें मिली, फिर साईं बाबा मिला, मिला मिला, फिर हनुमान मिला, और फिर कोई केबल नेटवर्क के बहुत सारे शोज मिलते चले गए। पर इसी बीच आपके एक है चिंतन कलमकार, वो लिख रहे हैं कि हेलो सर कैसे हैं आप, और आपके साथ वो दिन याद आते हैं सर। हाँ, ये सागर आर्ट से ही है, ये असिस्टेंट हुआ करते थे उस वक्त जी चिंतन, जी तो जी हाय चिंतन, बात तो मुझे लगता है कि काफी हो गया। अच्छा चलो, तो मैं आपको एक चीज वो ना, एक धर्मवीर भारती जी का एक प्ले है अंधायुग, उसका कुछ एक चीजें सुना देता हूँ, है ना, जी सुनाओ, बिल्कुल जिसमें बिल्कुल जिसमें जिसमें गांधारी जो है वो भगवान कृष्ण को श्राप देती है, तो वो मैंने कुछ अपने तरीके से वो थोड़ा आगे का जोड़ा हुआ है। तो उसमें एक किरदार कहता है कि प्रभु थे वो, तो वो कहता है दूसरा किरदार कि पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन ये सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर देता है चुनौती इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, नियति नहीं है पूर्व निर्धारित,
उसको हर क्षण मानव निर्णय बनाता मिटाता है। इसीलिए उसने रणभूमि में विषाद ग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूं परात्पर, जो कहता हूं करो, सत्य जीतेगा, मुझसे लो सत्य, मत डरो। फिर गांधारी आती है रणभूमि में लास्ट दिन, 17वें दिन, तो देखती है कि सब मारे गए हैं, उसके पुत्र वगैरह, दुर्योधन भी मारा गया है। तब वो कहती है कि किया है कृष्ण ये सब।